सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बुलाया जाता है, तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ला रहे हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ग्रेट लर्निंग ने एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग एकेडमी। तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे आपको मोर देन 80 कोर्सेस फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप जो है ग्रेट लर्निंग एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम क्विकली एजेंडा देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सी क्या है, फिर उसके बाद हम जो है कुछ बेसिक देखेंगे इसमें कमेंट्स, टोकेंस और वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे हो जाएंगे इफ, इफ एल्स, फॉर लूप और व्हाइल लूप। उसके बाद हम स्विच केस के साथ भी काम करेंगे एंड देन फाइनली उसके बाद हम एरेज, फंक्शंस और यूनियंस के साथ काम करेंगे। तो अभी जो है क्विकली सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सी के बारे में जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो ये सी लैंग्वेज डेनिस रिची करके एक बंदे ने बताया था और ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोसीजरल लैंग्वेज नॉर्मली एक टॉप डाउन अप्रोच होता है जहाँ पे आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में जो है कोड लिखते हो। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले दो नंबर को ऐड करना हो, तो आप जो है दो नंबर को ऐड करने के लिए एक सेट ऑफ कोड लिखोगे, फिर उसके नीचे अगर आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए उसके नीचे लिखोगे, फिर डिवीजन करना हो फॉर डिवीजन के लिए उसके नीचे लिखोगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है और एक स्टेप के बाद जो है दूसरा स्टेप ऐसे फ्लो में आता है। तो इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं और सी इज़ वन ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। और सी एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी को जो है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। तो अगर आपके पास विंडोज़ सिस्टम है तो आप जो है सी विंडोज़ सिस्टम में रन कर सकते हो। अगर आपके पास मैक है तो आप जो है सी को मैक पे भी रन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास लिनक्स है तो आप सी को जो है लिनक्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये टोटली जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और सी के लिए जो है बहुत सारे कंपाइलर्स भी अवेलेबल है। तो अभी हम इस सेशन के लिए जो है हम डेव C++ यूज़ करेंगे। तो ये एक कंपाइलर है, इस कंपाइलर में जो है हम सी और C++ प्रोग्राम्स दोनों रन कर सकते हैं। और सी जो है जब भी आप एक सी कोड लिखते हो तो उस वो पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए वो एक टू स्टेप प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटेबल क्रिएशन फ्रॉम अ सी प्रोग्राम इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन, दूसरा स्टेप होता है लिंकिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपाइलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो कोड लिखते हो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो इस सोर्स कोड को जो है आपको एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कोड को आप जो कन्वर्शन का प्रोसेस है उसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं। और कंपाइलेशन में बेसिकली आपने जो भी कोड लिखा है उसमें शायद से कुछ सिंटैक्टिकल एरर्स हो सकते हैं, सिमेंटिक एरर्स हो सकते हैं या फिर जो भी टाइप के एरर्स है वो सब जो है इस कंपाइलेशन प्रोसेस में चेक हो जाते हैं। और फिर चेक होने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आपका सोर्स कोड जो है एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट कोड आपका फाइनल कोड नहीं होगा, अभी इस ऑब्जेक्ट कोड को आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो प्रोसेस लिंकिंग होता है। तो लिंकिंग में बस जैसे अगर हमें कोई भी एडिशनल लाइब्रेरीज की जरूरत हो, अगर आपने कुछ कोड लिखा हो और इस कोड में किसी एडिशनल लाइब्रेरीज को लिंक करने की जरूरत है आपने जो कोड लिखा है उसके ऊपर, तो वो वाला लिंकिंग का प्रोसेस है। तो जो भी एग्जिस्टिंग या फिर न्यू फीचर्स ऐड करने वो ऐड करके आपका ऑब्जेक्ट फाइल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो है आप रन करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों स्टेप्स जो है आपको एक सी सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये सी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी जो है एक सी प्रोग्राम के जो पूरे कॉम्पोनेंट्स है वो समझते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है ये सब जो है बेसिक कॉम्पोनेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना सी प्रोग्राम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे हमें अगर सी प्रोग्राम के साथ काम करना है तो हमें कुछ लाइब्रेरीज को लोड करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरीज के अंदर जो है कुछ इनबिल्ट फंक्शंस या फिर इनबिल्ट कोड ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो अगर हमको यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये सब लाइब्रेरीज को इन्वोक करने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इस कोड से जो है हम इस लाइब्रेरी को हमारे कोड में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि कंपाइल होने से पहले या फिर एग्जीक्यूट होने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें प्री प्रोसेस करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे है। तो कंपाइलेशन से पहले मैं इस कोड को बता रहा हूँ, भाई कंपाइलर सुनो और ये लाइब्रेरी जो है लोड कर दो। और ये लाइब्रेरी क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो मैंने इस तरह से जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लोड कर दिया है। फिर इसके बाद आप जो भी कोड लिखोगे वो आप मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे। तो मान लीजिए जैसे हमारा जो है, ब्रेन पूरा प्रोसेसिंग करता है, तो इसी तरह एक सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका पूरा एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन के अंदर होता है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन के अंदर स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है। और फंक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, सबसे पहले तो ये फंक्शन का नाम हो गया है यहाँ पे, और हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे हमने जो है मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप void दिया है। तो यहाँ पे void का मतलब ये है कि हम लोग जो है कुछ फिलहाल के लिए तो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो हम बाद में जब फंक्शन डीपली कवर करेंगे तब हम डिफरेंट मतलब हम समझेंगे void एग्जैक्टली है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और रिटर्न टाइप एग्जैक्टली है क्या। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए हमारा जो मेन फंक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कोड का। फिर इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो ये मेन का जो है बॉडी है, तो मेन के बॉडी के अंदर हम लोग को जो भी कोड लिखना है और वो कोड लिखेंगे हम। और जैसे मैंने बोला था सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो आप जो है लाइन बाय लाइन वो कोड लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉन्सोल पे कुछ प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करूंगा। तो इस प्रिंट एफ फंक्शन से जो है मैं अपने मॉनिटर पे या फिर स्क्रीन पे जो है कुछ कर सकता हूं, और मैं यहां पे बस प्रिंट कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद में गेट सी एच यूज कर रहा हूं, गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर। तो नॉर्मली जो है हम बस एग्जीक्यूट करके छोड़ दे तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मतलब एक बार स्क्रीन ब्लैंक होगा, ब्लैंक होके वो निकल जाएगा। बट गेट कैरेक्टर मतलब जब तक आप कीबोर्ड से जो है कुछ प्रेस नहीं करते हो तब तक जो है वो वेट करेगा, तब तक एटलीस्ट वो आपको जो है रिजल्ट दिखाता रहेगा। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं अभी जो है अपने कंपाइलर में जाके ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है डेव C++ है, ये कंपाइलर है, तो इसमें जो है मैं सी प्रोग्राम और C++ प्रोग्राम दोनों एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने सीखा था हमें जो है लाइब्रेरी को लोड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड और लाइब्रेरी का नाम है stdio.h। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है और ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर इसके बाद जो है मुझे मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और जो भी मैं लिखूंगा वो जो है मेन फंक्शन के अंदर ही लिखूंगा। और यहाँ पे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप void है, मतलब ये अभी फिलहाल के लिए तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर मुझे अभी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना हो तो अभी हम बस एक बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो अभी हम स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट एफ फंक्शन। और यहाँ पे मैं बस एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज स्पार्टा, और इसके बाद बस मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर से, हर एक लाइन ऑफ कोड जो है जो भी आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हो वो हर एक लाइन ऑफ कोड के बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे जो है इस कोड का एंड हो रहा है, तो सेमीकोलन से कंपाइलर को पता चलता है कि इस लाइन का कोड यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर इसके बाद मुझे बस गेट सी एच देना पड़ेगा, गेट सी एच का मतलब ये कंपाइलर बस एक कैरेक्टर के लिए जो है वेट करेगा। तो अभी एग्जीक्यूट और यहाँ पे कंपाइल एंड रन क्लिक करते हैं, और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज स्पार्टा। तो हमने सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बेसिक्स हो गए, अभी समझते हैं कमेंट्स है क्या। तो नॉर्मली जब आप एक बहुत बड़ा कोड लिखते हो तो ये तो काफ़ी बेसिक कोड था, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट हो गया हो तो उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगे। तो उस मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड को अगर फिर आपको बाद में जाके फिर से समझना है तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए क्या करते हो, आप डिस्क्रिप्शन डालते हो और इस डिस्क्रिप्शन को हम कमेंट्स बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया हो, बट अगर किसी
किसी और ने वो जाके देखा तो उसको उतनी क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ऐसे डिस्क्रिप्शन आप जहाँ पे भी मतलब एडिशन का कोड है वहाँ पे बस एक डिस्क्रिप्शन डाल दो कि इस कोड से हम एडिशन कर रहे हैं। सिमिलरली जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का कोड है वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो कि वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली जहाँ पे भी डिविजन का कोड है वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो कि इस कोड से जो है हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कमेंट्स नॉर्मली अगर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन पढ़ रहे हो या फिर आपको भी बाद में मान लीजिए एक साल के बाद आपको अगर अपना कोड वेरीफाई करना हो और उसको अच्छे से समझना हो तो वहाँ पे जो है आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो कमेंट जो है दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमको, तो ये कमेंट जो है बस हम एक लाइन में लिख देते हैं और ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम दो फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो दे देते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करने के लिए स्टार और फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। तो इस तरह से जो है हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा इनिशियल प्रोग्राम यही था, उस इनिशियल प्रोग्राम को हम यहाँ पे कमेंट्स ये सब ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इस प्रोग्राम का नाम दे दिया है और प्रोग्राम का ऑथर दे दिया है यहाँ पे। यह हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया था, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आप लिख दीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर से स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ पे उसके बाद हमारा जो भी कोड है उस कोड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारा मेन फंक्शन है और ये जो है हमारा प्रिंट फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं जो है आपको इस चीज़ का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और जैसे आप देख रहे हो इसका कलर भी अलग है। तो ये कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो है डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये हमारा जो है नॉर्मल रिजल्ट आ गया। अगर वही मैं यहाँ से ये दोनों फॉरवर्ड स्लैश हटा दूँ और अभी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ तो अभी देखिए कैसा होता है। तो यहाँ पे हमें जो है एक वार्निंग आया है। तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अभी इस टाइम पे जो है इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिला है। और ये एरर इसलिए मिला है क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्री इज अनडिक्लेयर्ड, ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर्स इन। तो ये हमारे जो आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स मतलब किसी चीज़ का नाम दे रहा है बट यहाँ पे इस कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली है क्या, प्री क्या है, प्रोसेसर क्या है, डायरेक्टिव क्या है। तो ये बस एक कमेंट है जिसके थ्रू हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसलिए मुझे इसको जो है दो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डिनोट करना पड़ेगा, तब जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है कमेंट्स का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद टोकन्स पे आते हैं। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम। तो जैसे बूंद बूंद से पानी बनता है, इसी तरह जो है आप डिफरेंट टोकन्स को मिलाकर जो है आप अपना सी प्रोग्राम बना सकते हो यहाँ पे। और डिफरेंट टाइप के टोकन्स होते हैं, तो जैसे डिफरेंट टाइप का पानी होता है तो मान लीजिए सॉल्टेड वाटर, शुगरी वाटर, तो इसी तरह मान के चलिए डिफरेंट टाइप के टोकन्स भी होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। तो आइडेंटिफायर्स, तो सी प्रोग्राम में आप कुछ भी अगर लिखते हो, कुछ वेरिएबल बनाते हो या फिर फंक्शन बनाते हो या फिर क्लास बनाते हो, कुछ भी बनाते हो तो उसका कुछ नाम होगा, उस नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो मान लीजिए अभी क्लास में कुछ 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों को मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ईच स्टूडेंट का कोई नाम तो होगा, तो ये नाम जो है उस स्टूडेंट का आइडेंटिफायर हो जाएगा। और यहाँ पे नाम एक्चुअली डुप्लीकेट हो सकते हैं, राइट? तो इसी तरह जो है आपके आइडेंटिफायर्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो आइडेंटिफायर का सिंपल मतलब ये हो गया है कि आप किसी चीज़ का जब नाम देते हो, वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया या फिर ऐसा कोई भी हो गया है, उस चीज़ को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर वर्ड्स विच आर स्पेसिफिक टू सी लैंग्वेज। तो कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, मान लीजिए ट्रू, फॉल्स या फिर मेन, ये सब जो है रिजर्व्ड वर्ड्स है। और ये रिजर्व्ड वर्ड्स को जो है आप आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड रहते हैं और इनको आप किसी का नाम की तरह यूज नहीं कर सकते हो। फिर हमारे पास आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज है जो कि चेंज नहीं होते। तो इसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट यह है कि वेरिएबल्स जो है आप टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है और उस टेम्पररी स्टोरेज स्पेस में आप कॉन्स्टेंट स्टोर कर सकते हो।
फिर हमारे पास स्ट्रिंग आते हैं. स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. तो मान लीजिए किसी का नाम हो गया है, तो रजत, ये रजत क्या है? एक स्ट्रिंग है. तो RAJAT, तो इसमें पांच कैरेक्टर है, ये पांच कैरेक्टर मिलके जो है रजत बना है, और रजत जो है एक स्ट्रिंग है. फिर से ऑपरेटर्स हो गए, तो ऑपरेटर्स के साथ जो हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं हमारे ऑपरेंड्स पे. तो बस ये सिंपल डेफिनेशन हो गया. तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गए, जैसे हैश हो गया है. तो हैश से जो है, जैसे हमने हमारे पुराने प्रोग्राम में देखा था, हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये हैश से जो है हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया डिफरेंट टाइप के टोकन्स के. तो अभी जो है हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या है. तो वेरिएबल्स आर मेमोरी रेफरेंसेस हुज वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है. तो सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हो, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? आप डेटा के साथ काम कर रहे हो ना. तो मान लीजिए भाई फिर से एडिशन का ऑपरेशन हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया, तो यहाँ पे आप जो ऐड कर रहे हो, आप डेटा को तो ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई जो कर रहे हो आप डेटा का तो मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो आपको इस डेटा को कहीं ना कहीं जो है स्टोर करना पड़ेगा. तो ये स्टोरेज स्पेस जो है वेरिएबल्स होते हैं, और ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस होते हैं. तो इसका एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल है. मान लीजिए आपके पास जो है एक शॉपिंग कार्ट है, और इस शॉपिंग कार्ट में जो है इनिशियली आप एक एप्पल स्टोर करते हो. फिर कुछ देर बाद जो है आपको एप्पल पसंद नहीं है, तो उस एप्पल को हटा के जो है उस शॉपिंग कार्ट में आप एक ऑरेंज डाल देते हो. फिर से आपको मान लीजिए ऑरेंज पसंद नहीं है, तो उस ऑरेंज को हटा के जो है आप उसमें एक बनाना डाल दोगे. तो ये जो है वेरिएबल आपका एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है. उसमें आप जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकते हैं. तो ये बेसिक डेफिनेशन है वेरिएबल का. फिर हम सिंटेक्स देखते हैं. तो वेरिएबल को जो है सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसको असाइन करना पड़ेगा. इनिशियलाइज या फिर डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि पहले हम इस वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं और उस वेरिएबल का नाम देते हैं. तो यहाँ पे डेटा टाइप, जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो गए, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, ये सब, तो उनके बारे में हम समझेंगे. पहले ये किस टाइप का डेटा है, फिर उसका वेरिएबल नाम दे देंगे. ये होने के बाद हम इसको असाइन करेंगे. असाइनमेंट का मतलब ये है कि हम इस वेरिएबल में कोई वैल्यू आके जो है स्टोर करेंगे. तो ये बेसिक एग्जाम्पल जो है वेरिएबल का हो गया. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ इस चीज़ के. तो अभी हम यहाँ पे वेरिएबल का एग्जाम्पल देखते हैं. तो सबसे पहले मुझे फिर से जो है लाइब्रेरीज जो भी है वो लोड करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे मुझे हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ेगा, जो कि मेरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. फिर इसके बाद मुझे अपना मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल अभी जो है यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ. और यहाँ पे मैं लिखूँगा int a is equal to 10. मतलब मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, और उसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया है. इसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा. तो प्रिंट के लिए मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगा. तो यहाँ पे जो है मैं कुछ थोड़ा सा नया करूँगा. यहाँ पे मैं लिखूँगा a is %d. तो यहाँ पे ये %d क्या है? तो यहाँ पे जो अगर हमें कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना हो, तो उसको हम जो है पहले ये परसेंटेज सिंबल से डिनोट करेंगे यहाँ पे. फिर उसके बाद हम यहाँ पे कमा देके उस वेरिएबल का नाम देंगे. तो बेसिकली यहाँ पे %d के पोजीशन में इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू जो है हम प्रिंट कर रहे हैं. और अगर ये इंटीजर वेरिएबल है तो हम %d लिखेंगे. अगर फ्लोटिंग टाइप है तो हम %f लिखेंगे. अगर कैरेक्टर टाइप है तो %c लिखेंगे. तो इस तरह से जो है ये इसका परसेंटेज वैल्यू चेंज होता रहेगा. इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे हम. तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है. ये इंटीजर वेरिएबल है, और ये वेरिएबल का ये आइडेंटिफायर है, और इसका नाम है a. इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है 10. फिर हम प्रिंट कर रहे हैं a is %d. मतलब बस यहाँ पे a का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. a is यहाँ पे बस %d के बदले a के अंदर जो वैल्यू है वो हो जाएगा. तो फाइनली रिजल्ट होगा a is 10. तो यहाँ पे मैं अभी get ch लिख देता हूँ, और बस वेट करते हैं. और अभी मुझे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपाइल एंड रन. तो जैसे आप देख रहे हो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विद द वैल्यू 10, और उसको प्रिंट भी कर दिया है.
और क्योंकि वेरिएबल एक टेम्प्ररी स्टोरेज स्पेस है, मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको जाके चेंज कर सकता हूँ। तो इनिशियली इसके अंदर जो है वैल्यू 10 था, अभी मैं इसको 20 कर देता हूँ। फिर अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी देखते रिजल्ट क्या है। तो अभी इनिशियली जो है ये 10 था, अभी जो है ये चेंज होके 20 बन गया है। सिमिलरली मैं इसको फिर से चेंज करके जो है 30 कर सकता हूँ, और अभी देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। तो फिर से जो है हमने 30 कर दिया है, और ऐसे जो है वेरिएबल्स काम करते हैं, क्योंकि ये टेम्प्ररी स्टोरेज स्पेसेस है, इसीलिए जो है मैंने इनिशियली इसमें 10 स्टोर किया, फिर 10 को रिप्लेस कर दिया मैंने 20 से, फिर 20 को भी मैंने रिप्लेस कर दिया 30 से। तो वो वेरिएबल्स हो गए। अभी यहाँ पे हमारे पास जो एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का हो गया, दूसरा जो है डबल टाइप का हो गया है। यहाँ पे डबल का मतलब आप जो है डेसिमल टाइप के वैल्यूज यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर ए के अंदर 10 स्टोर किया है और डबल बी के अंदर हमने 20 स्टोर किया है। इसके बाद मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम मेन फंक्शन के अंदर आ रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दिए, फिर यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर और एक डेसिमल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर, जैसे इसलिए क्योंकि ये इंटीजर है, इसको हम परसेंट डी से डिनोट करेंगे, और ये डबल है, डबल को हम परसेंट एलएफ से डिनोट करते हैं। तो अगर फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग को बस हम परसेंट एफ से डिनोट करेंगे, अगर वही एक डबल वैल्यू है उसको हम परसेंट एलएफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एलएफ का मतलब है लॉन्ग फ्लोट, और यहाँ पे जब हम इंटीजर और एक डबल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है डबल टाइप का होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू करके परसेंट एलएफ कर देंगे, फिर यहाँ पे इन पोजीशंस में जो भी होगा उनके हम वेरिएबल्स दे देंगे। परसेंट डी क्या है, ए है, परसेंट एलएफ क्या है, बी है, और यहाँ पे इस वाले परसेंट एलएफ के अंदर हम ए प्लस बी डाल देंगे, और इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, फिर बस हम रिटर्न जीरो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो हमारे पिछले वाले प्रोग्राम में जो है मेन का रिटर्न टाइप void था, void का मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, और क्योंकि यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप int डाला है, इसका मतलब हमें कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करना पड़ेगा, और क्योंकि हम इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए मैं बस रिटर्न जीरो डाल दूंगा। तो यहाँ पे जीरो का मतलब ये है कि हम बस कुछ ये नल वैल्यू की तरह है, तो हम कुछ खास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे। और इसके बाद बस हमें अगर किसी इनपुट के लिए वेट करना हो, गेट सी एच डाल देंगे, फिर ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो है ये इंटीजर वेरिएबल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर ए में जो है 30 स्टोर कर दिया है। इसके बाद मुझे एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 50.34। तो इस तरह से जो है मैंने डबल का एक वैल्यू क्रिएट किया है, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा परसेंट डी प्लस परसेंट एल एफ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंट डी प्लस परसेंट एल एफ, तो ये परसेंट एल एफ का मतलब जो है डबल हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे एस इक्वल टू, फिर से यहाँ पे परसेंट एल एफ, और यहाँ पे मुझे ए बी, और फिर से मुझे ए प्लस बी देना पड़ेगा क्योंकि वही तो मुझे चाहिए यहाँ पे। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख रहे हो 30 प्लस 50.34 हमें रिजल्ट मिल रहा है 80.34। तो इस तरह से जो है हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल और एक डबल टाइप वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स हो गए। फिर इसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट इनपुट टाइप आउटपुट के लिए डिफरेंट फंक्शंस है। तो अगर हमें कोई चीज़ जो है कॉन्सोल पे प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। और अगर वही जो है हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम स्कैन एफ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे यूज़र से कोई कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो उसके लिए गेट कैर और पुट कैर यूज़ कर सकता हूँ मैं। फॉर इसी तरह मुझे यूज़र से कोई स्ट्रिंग लेना हो उसके लिए जो है मैं गेट एस और पुट एस यूज़ कर सकता हूँ। तो गेट एस जो है यूज़र से स्ट्रिंग लेने के लिए होता है, और पुट एस जो है कॉन्सोल पे स्ट्रिंग दिखाने के लिए होता है। तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट फंक्शंस हो गए। एंड देन ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स अभी तक हमने जो है परसेंट डी और परसेंट एल एफ देखा है, और यहाँ पे जैसे लिखा है दिस इन्फॉर्म्स द स्कैन एफ फंक्शन। ये स्कैन एफ और प्रिंट एफ दोनों के लिए काम करता है बेसिकली। व्हाट टाइप ऑफ इनपुट टू एक्सपेक्ट एंड इन प्रिंट एफ इट इज यूज्ड टू गिव अ हेड्स अप टू द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट टू द एक्सपेक्ट। तो जब हम परसेंट डी देते हैं प्रिंट एफ या स्कैन एफ का अंदर, इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है।
जब हम परसेंट एफ देते हैं उसका मतलब यह है कि यह फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, जब परसेंट सी देते हैं इसका मतलब यह है कि यह कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, एंड जब हम परसेंट एस देते हैं इसका मतलब यह है कि यह जो है एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक हो गए फॉर्मेट स्ट्रिंग्स के। फिर हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स देखते हैं। तो अभी डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास जो है प्रिमिटिव टाइप्स, डिराइव टाइप्स और यूज़र डिफाइंड हो गए। तो यहाँ पे हमारे प्रिमिटिव टाइप्स में जो है ये सब जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, मतलब यूज़र को जो है अपनी तरफ से ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल और वॉइड हो गया है। तो बुलियन का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हो सकते हैं, तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो ट्रू या फॉल्स, जीरो या वन। फिर कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया, कैरेक्टर का मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, तो ए बी सी डी ई एफ, तो ये सब जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो वो जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। तो स्ट्रिंग मतलब जैसे हमने पुराने वाले एग्जाम्पल देखा था, अगर किसी का नाम है रजत तो ये रजत क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आर ए जे ए टी मिलके जो है रजत बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा आता है, इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर्स, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, जस्ट दैट इसमें कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर जो है डेसिमल वैल्यूज हो सकते हैं। फिर डबल, डबल का मतलब ये जो है इसका प्रिसिशन और इसकी जो साइज है वो फ्लोटिंग से एग्जैक्टली डबल होती है, तो इसलिए हम फ्लोटिंग को जो है परसेंट एफ से डिनोट करते हैं और डबल को परसेंट एल एफ से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, डबल का मतलब फ्लोट का जो है डबल होता है। फिर हमारे पास वैल्यूलेस या वॉइड, मतलब वॉइड का मतलब जो है ये बेसिकली नल है, इसके अंदर हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सब जो है प्रिमिटिव टाइप के हो गए। इसके बाद हमारे पास डिराइव डेटा टाइप्स है, तो डिराइव डेटा टाइप्स में हम जो है मोस्टली एरे के साथ काम करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, उन सभी स्टूडेंट्स के नाम आपको स्टोर करना है, तो 100 स्टूडेंट हो गए, तो क्या आप 100 स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली जो है 100 अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है और टायरसम काम है और एक्चुअली स्टुपिडिटी भी है। तो इसलिए जो है आप एक डिराइव डेटा टाइप बनाओगे जिसका नाम है एरे, और इस एरे में जो है आप सीक्वेंस ऑफ नेम स्टोर कर सकते हो। ये बस इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए आपको स्ट्रिंग टाइप का कुछ स्टोर करना हो, मतलब स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे मतलब स्टूडेंट के नाम हो गए, तो वो सब स्टोर करना हो, तो यहाँ पे मैं जो है एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाऊंगा और उसके अंदर जो है मैं आसानी से जो है 100 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे अगर नाम और रोल नंबर दोनों स्टोर करना हो तो मैं जो है और एक एरे बनाऊंगा जो कि जो है इंटीजर टाइप का होगा या फिर फ्लोटिंग टाइप का होगा, और उस वाले एरे में जो है मैं सभी मार्क्स को स्टोर करूंगा। तो इस तरह से जो है हम एरे के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट प्रिमिटिव और डिराइव टाइप है, तो हम बाकी चीज़ों के बारे में जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके बारे में समझेंगे। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, स्ट्रक्चर, यूनियन और एन्यूमरेटर्स, तो इनको हम जो है सेशन के एंड में कवर करेंगे। तो अभी हमने जो बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे थे तो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें जो है फाइल इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। फिर इसके बाद मुझे मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा void main। फिर इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये डेटा टाइप है इंटीजर, तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा इंटीजर के लिए, और इंट ए मैं जो है यहाँ पे 10 स्टोर कर रहा हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ। यहाँ पे मुझे परसेंट डी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, और ये वेरिएबल है ए। इसके बाद मुझे बस एक रिटर्न ज़ीरो डालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रिटर्न ज़ीरो डाल देता हूँ, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे गेट सी एच लिखते हैं हम, रिटर्न ज़ीरो इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि यहाँ पे वॉइड है यहाँ का, तो void का मतलब है हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है इसका। तो हमने जो है सक्सेसफुली एक इंटीजर टाइप का डेटा जो है क्रिएट किया है और उसको प्रिंट भी कर दिया है। अभी हम फ्लोटिंग पॉइंट देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट में जो है हमारे पास डेसिमल रहता है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट ए, और इसको मैं 10.45 करता हूँ, और इसको मैं अभी परसेंट एफ करूंगा और यहाँ पे ए रहेगा, तो परसेंट एफ जो है फ्लोट के लिए होता है। यहाँ पे फिर से गेट सी एच, बस मैं यहाँ पे वेट करूंगा कंपाइल होने के बाद। तो अभी जो है सक्सेसफुली जो है हमने ये फ्लोटिंग पॉइंट भी प्रिंट कर दिया है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वैल्यूज है
और बाई डिफॉल्ट जो है यहाँ पे गिनते हैं कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बाई डिफॉल्ट जो है आपको डेसिमल के राइट साइड आपको 6 प्लेसेस मिलेंगे जब आप यहाँ पे परसेंट एफ यूज़ करते हो। फिर फ्लोट के बाद हमारे पास हो गया है डबल, तो यहाँ पे मैं डबल लिखूँगा, डबल ए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि डबल भी एक फ्लोटिंग टाइप ही है बेसिकली। इसका साइज़ और इसका एक्यूरेसी फ्लोट से डबल होता है। इसको 100.995 कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा परसेंट एल डी, जो कि बेसिकली डबल को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे ये आया, इसको हम परसेंट जो है एल एफ करते हैं, एल डी नहीं। तो इसको हम परसेंट एल डी की जगह जो है परसेंट एल एफ रखेंगे यहाँ पे। और अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और अभी रिजल्ट जैसे आप देख रहे हो हमने जो है ये डबल टाइप का भी प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे हमें अभी 100.995 मिला है जो कि डबल टाइप है। इसके बाद जो है हम एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैर ए, और इसमें जो है मैं बस एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें स्टोर करता हूँ एफ, और यहाँ पे जो है कैरेक्टर का परसेंट सी हो जाएगा, और ए तो यह रहेगा ही यहाँ पे। बस अभी मुझे जो है इस चीज़ को प्रिंट करना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन। तो हमने सक्सेसफुली एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया है और उसको भी जो है हमने प्रिंट कर दिया है। फिर इसके बाद हमारे पास बुलियन टाइप आता है। तो बुलियन टाइप के लिए हमें एक्चुअली एक लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड std::bool.h। फिर इसके बाद हम एक बुलियन टाइप वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा बूल और ए, और इसमें मैं वैल्यू ट्रू स्टोर कर दूंगा। और हमें ऑलरेडी पता है बुलियन टाइप में हमारे पास बस दो ही टाइप के रहता है, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। और बुलियन टाइप प्रिंट करने के लिए हमें बस यहाँ पे परसेंट डी यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। तो परसेंट डी से जो है ये ट्रू है तो 1 की तरह डिनोट होगा, फॉल्स है तो 0 की तरह डिनोट होगा यहाँ पे। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और जैसे आप देख रहे हो हमें यहाँ पे 1 मिला है क्योंकि ट्रू स्टोर किया है हमने इसमें। फिर से अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो हमें जो है यहाँ पे प्रिंट करते समय 0 मिलेगा, क्योंकि फॉल्स का जो है इंटीजर वैल्यू 0 होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो गए। अभी हम जो है ऑपरेटर्स समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सी जो है इट सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ जो है हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सब जो ऑपरेशंस है हम नॉर्मल टाइप के ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर्स, स्पेशली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा हो गया है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर्स के साथ जो है हम एक सिंगल ऑपरेंड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक सिंगल ऑपरेंड है ए, और ए में जो है मैं 5 स्टोर करता हूँ। तो अभी इसमें हमारे पास दो चीज़ें रहते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब जो है अगर हम प्लस प्लस ए लिखते हैं तो ये जो है जो वैल्यू स्टोर्ड है वो पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर प्रिंट होगा। अगर वही हम पोस्ट इंक्रीमेंट लिखे तो पोस्ट इंक्रीमेंट में जो है जो भी वैल्यू प्रेजेंट था वो प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रिंट होने के बाद जो है फिर वो बाद में अपडेट होगा। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे काम करते हैं। और जैसे अगर मुझे किसी वैल्यू को बढ़ाना हो, किसी यूनिक एक सिंगल ऑपरेंड को बढ़ाना हो तो मैं प्लस प्लस यूज़ करूँगा, और किसी का वैल्यू अगर मुझे घटाना हो तो मैं माइनस माइनस यूज़ करूँगा। फिर मेरे पास जो है बाइनरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स जो है मैं दो ऑपरेंड के बीच यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ए और बी हो गए, और ए में 10 का वैल्यू स्टोर्ड है और बी में जो है 20 का वैल्यू स्टोर्ड है, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं बस अगर ए प्लस बी लिख दूंगा तो 10 + 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स से जो है हम दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन क्या है वो समझ सकते हैं। जैसे अगर मुझे जानना हो कोई ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से बड़ा है या छोटा है, या फिर दोनों में वैल्यूज इक्वल है या फिर दोनों में वैल्यूज जो है अलग है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जो है मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो है मैंने अगर डबल इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, डबल इक्वल टू से जो है ये जान सकते हैं कि जो वैल्यू स्टोर्ड है दो ऑपरेंड्स में वो इक्वल है कि नहीं है। फिर मेरे पास ग्रेटर देन सिंबल आता है। ग्रेटर देन से मैं जानना चाहता हूँ कोई एक ऑपरेंड जो है दूसरे ऑपरेंड से वो ज़्यादा है कि नहीं है।
इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होके एंड और, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमें यहाँ पे एंड के साथ जो है यहाँ पे नॉर्मली ये जब हम दो ऑपरेंड्स के बीच में डालते हैं तब हमें ट्रू तभी मिलता है जब दोनों ऑपरेंड्स का रिजल्ट ट्रू हो। अगर एक भी ऑपरेंड का रिजल्ट जो है फॉल्स होता है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स मिलता है। अगर वही और ऑपरेटर की बात करें तो और में जो है दोनों में से कोई भी ऑपरेंड का अगर जो है रिजल्ट ट्रू होता है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। फिर अगर नॉट की बात करें, नॉट जो है एग्जैक्टली जो रिजल्ट है रिजल्ट का ऑपोजिट देता है। अगर मान लीजिए ट्रू है तो अगर नॉट ट्रू करे वो हमें फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो नॉट फॉल्स करेंगे तो वो हमें ट्रू देगा। तो इस तरह से जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास हो गए बिट वाइज ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर के साथ जो है जैसे यहाँ पे नाम में लिखा है हम बिट लेवल पे जो भी चेंजेस है बिट लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं। तो बिट लेवल पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर फाइनली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ जो है हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इन सभी ऑपरेटर्स का। तो सबसे पहले जो है मैं एडिशन ऑपरेटर के साथ काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मुझे यहाँ पे डबल स्लैश देना पड़ेगा, राइट। आप देख रहे हो ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से जो है मैंने ये कमेंट ऐड कर दिया है। अभी मान लीजिए मेरे पास दो ऐसे वेरिएबल है int a, और a में जो है मैंने 10 का वैल्यू स्टोर किया है। इसके बाद मेरे पास दूसरा वेरिएबल आता है int b, तो b में जो है मैंने 20 का वैल्यू स्टोर किया है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों क्रिएट कर दिए। फिर इसके बाद अभी मुझे एडिशन परफॉर्म करना है इन दोनों पे। तो एडिशन अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैं प्रिंट एफ के अंदर जो है यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे क्योंकि ये दोनों इंटीजर है यहाँ पे परसेंट डी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, बिकॉज वही तो प्रिंट करना है हम लोगों को। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, और यहाँ पे मुझे जो है गेट सी एच लिखना पड़ेगा फिर से, और अभी इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30। इसी तरह अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब 10 माइनस 20, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी। यहाँ पे बस मुझे माइनस सिंबल इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा। अभी फिर से हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, और आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है माइनस 10, बिकॉज 10 माइनस 20 इज माइनस 10। अभी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बस इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टार ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्टार बी, इस तरह से जो है हम 10 इंटू 20 करेंगे, तो 10 इंटू 20 से हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 200। फिर हम 10 डिवाइडेड बाई 20 परफॉर्म करेंगे, मतलब डिविजन। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ डिविजन ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी, यहाँ पे मैं ए फॉरवर्ड स्लैश बी लिख देता हूँ, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इससे मुझे जीरो मिल रहा है क्योंकि ये दोनों इंटीजर है। तो 10 डिवाइडेड बाय 20, तो आप जब 10 को 20 से डिवाइड करते हो ऑब्वियसली जीरो आएगा क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट नहीं ले रहे हो। ये दोनों जो है इंटीजर टाइप है, और यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हो वो भी जो है आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का प्रिंट कर रहे हो परसेंट डी। तो इसलिए अगर 10 बाय 20 मतलब 1 बाय 2 क्या हुआ 0.5, तो 0.5 क्योंकि इंटीजर टाइप है तो वो पॉइंट के बाद जो भी है डेसिमल के बाद जो भी है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, बस डेसिमल के जो भी लेफ्ट साइड है उसको आप यहाँ पे ले रहे हो। तो इस तरह से जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से जो है कमेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर ए में जो है मैंने 10 स्टोर किया है, बी में 20 स्टोर कर दिया है। इसके बाद मुझे चेक करना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंटेक्स में लिखता हूँ, यहाँ पे चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे एक कोलन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ए इज ग्रेटर देन बी का सिंबल लगा देता हूँ। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये है फॉल्स। फॉल्स इसलिए है बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। अभी इसको फिर से चेंज करूंगा, चेक इफ बी इज ग्रेटर देन ए, फिर से यहाँ पे परसेंट डी होगा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। अभी इसको फिर से हम चेक करेंगे और यहाँ पे 1 मिल रहा है बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 10, इसलिए यहाँ पे जो है हमें 1 मिल रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, चेक इफ बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे फिर से परसेंट डी हो जाएगा, यहाँ पे मुझे डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, तो डबल इक्वल टू से जो है मैं चेक कर सकता हूँ जो वैल्यू लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है वो दोनों इक्वल है क्या। फिर से कंपाइल एंड रन, यहाँ पे मुझे जीरो मिलता है बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल टू 20। और अभी इसी तरह मेरे पास जो है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, चेक इफ बी इज नॉट इक्वल टू ए, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा। तो हमने जो नॉट देखा था, तो अगर ट्रू है तो वो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। तो यहाँ पे मैं बस चेक कर रहा हूँ क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे मुझे 1 मिलता है बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हो गया है एंड, दूसरा हो गया है और। और जैसे मैंने आपको एंड के बारे में बताया था, एंड ऑपरेटर जो है आपको ट्रू रिजल्ट तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड्स का वैल्यू ट्रू हो, और ऑपरेटर आपको ट्रू देगा जब कोई भी ऑपरेंड का वैल्यू जो है ट्रू हो। तो यहाँ पे मुझे बुलियन वैल्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल ए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल बी, और ए में जो है मैं ट्रू स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे, और बी में जो है मैं फॉल्स स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं परसेंट डी लिखता हूँ क्योंकि मुझे ट्रू और फॉल्स में ही चाहिए फिर से। और अभी मुझे चेक करना पड़ेगा ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए में ट्रू है बी में फॉल्स है, और मैं चेक कर रहा हूँ ए एंड बी ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा। ट्रू एंड फॉल्स मुझे जीरो मिल रहा है बिकॉज इसमें से जो है एक वैल्यू फॉल्स है। अभी इसको मैं बी एंड ए करता हूँ, अभी ये जो है बी एंड ए करते हैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से जो है मुझे जीरो मिलता है बिकॉज फॉल्स एंड ट्रू इज ऑल्सो फॉल्स। अभी मैं इसको ए एंड ए करूंगा, तो अभी देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है क्या हम लोग को। तो इस बार हमें 1 मिलता है बिकॉज ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। इसके बाद अभी मैं इसको बी एंड बी करूंगा, तो आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है, फॉल्स एंड फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। ये तो हो गया एंड ऑपरेटर। इसके बाद जो है हम और ऑपरेटर के साथ काम करेंगे, तो और ऑपरेटर जो है हम ये पाइप सिंबल के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी, ये दो पाइप सिंबल दे दिए, फिर से जो है मैंने यहाँ पे बी लिखा है, तो मैं चेक कर रहा हूँ फॉल्स और फॉल्स, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। फॉल्स और फॉल्स मुझे 0 मिलता है बिकॉज दोनों फॉल्स है। यहाँ पे मैं ए और बी करता हूँ, तो मैं ट्रू और फॉल्स चेक कर रहा हूँ। अभी ट्रू और फॉल्स मुझे ट्रू मिलता है बिकॉज एक ऑपरेंड जो है ट्रू है। फिर से अभी मैं बी और ए मतलब फॉल्स और ट्रू चेक कर रहा हूँ, फॉल्स और ट्रू, फिर से मुझे ट्रू मिलता है। एंड देन फाइनली हमारे पास जो है ए और ए, जो कि ऑब्वियसली ट्रू होगा, अगर एंड ऑपरेटर के साथ ट्रू हुआ तो और के साथ तो ये ट्रू हो ही जाएगा। तो और ए इज ऑब्वियसली ट्रू। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो ये बेसिक जो है ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे सभी के यहाँ पे साइज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, और मैं ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के जो है मैं साइज चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइज ऑफ इंट बाइट्स, तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ ऑपरेटर है, तो क्योंकि ये सभी जो है एलडी, क्योंकि मुझे साइज जानना है इन चीज़ों का, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे परसेंट एलडी यूज़ किया है। एलडी मतलब लॉन्ग इंटीजर होता है, तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट इतने बाइट्स है, तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ ए हो जाएगा। साइज ऑफ ए मतलब इंटीजर का देख रहा हूँ, साइज ऑफ बी मतलब फ्लोट का देख रहा हूँ, साइज ऑफ सी मतलब डबल का देख रहा हूँ, एंड देन साइज ऑफ डी मतलब कैरेक्टर हो गया। तो ये अभी जो है एग्जांपल हम परफॉर्म करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
तो ये हमारा मेन फंक्शन तो है ही यहाँ पे, मुझे जो है एक इंटीजर ए बनाना पड़ेगा, फिर जो है मैं एक फ्लोट बी बना देता हूँ, फिर मेरे पास जो है एक कैरेक्टर सी हो जाएगा, फिर मेरे पास डबल डी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मेरे ये चार टाइप के डेटा टाइप्स बन गए। फिर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा साइज ऑफ इंट एस, यहाँ पे परसेंट एल डी, और यहाँ पे मुझे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा साइज ऑफ, और इसके अंदर मैं पास करूँगा ए। फिर इसके बाद मैं और एक प्रिंट एफ यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं इन सभी को और देखते हैं इंडिविजुअली क्या आता है। इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो साइज ऑफ इंट इज 4। तो अभी इसी तरह जो है मुझे अगर फ्लोट का जानना हो तो यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट इज परसेंट एल डी, यहाँ पे मुझे बी पास करना पड़ेगा। तो ए की जगह बी है क्योंकि बी में जो है हमने फ्लोट स्टोर किया है। तो अभी इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे मुझे और एक जो है यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट भी जो है 4 byte है, तो इंटीजर और फ्लोट दोनों का जो है 4 byte हो गया है। इसके बाद हम कैरेक्टर का देखेंगे तो यहाँ पे साइज ऑफ इसके अंदर मैं सी पास करूंगा क्योंकि सी में जो है हमने कैरेक्टर को स्टोर किया है और इससे हमें 1 मिलता है। तो इंटीजर और फ्लोट का 4 हो गया है, कैरेक्टर का जो है 1 byte हो गया है। अभी हम डबल का चेक करेंगे तो इसके अंदर मैं डी पास करूंगा और कंपाइल एंड रन, इससे हमें 8 bytes मिलता है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डबल का जो है साइज सबसे ज़्यादा है और कैरेक्टर का साइज जो है सबसे कम है। तो ये सब जो है कुछ बेसिक चीज़ें हो गए, हमने डेटा टाइप्स के साथ काम किया है, वेरिएबल्स के साथ काम किया है और ऑपरेटर्स के साथ काम किया है। अभी जाके जो है हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे। तो स्ट्रिंग्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। जब आप जी आर ई ए टी इन सभी कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो तब आपको ये स्ट्रिंग मिलता है ग्रेट। फिर से आप जब ये कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो, ये सभी कैरेक्टर्स मिलके लर्निंग बन गया है, फिर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, आपको ये जो है सेट ऑफ वर्ड्स मिलेगा ग्रेट लर्निंग। तो अगर आपको स्ट्रिंग के साथ काम करने हो, आपको सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी लोड करना पड़ेगा। फिर ये स्ट्रिंग डॉट है जो है आपको ये सब जो है डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको str len हो गया है, तो str len से जो है हम किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास हो गया है strcpy, तो strcpy से हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है strcat, तो strcat से जो है हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फिर आता है strcmp जिसके साथ जो है हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास है strlwr, अगर मान लीजिए हमारे आप कोई स्ट्रिंग में जो है कुछ कैरेक्टर्स जो है कैपिटल में है, कुछ कैरेक्टर्स जो है लोअर केस में है, तो मैं strlwr से जो है अपने स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड देन strupr होता है, तो strupr के साथ जो है मैं अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स हो गए इस लाइब्रेरी में प्रोवाइडेड। तो अभी ये जो है कोड है तो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ। तो स्ट्रिंग बेसिकली जैसे मैंने बताया था ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम जो एक एरे के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एरे बनाया है, तो मुझे कैर एस वन, और ये जो आप देख रहे हो तो इस तरह से जो अगर मैं पेरेंथेसिस दूंगा तो इसके अंदर मैं इस एरे का साइज दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने कैरेक्टर एरे बनाया है एस वन जिसका साइज 30 है। फिर मैं और एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ एस टू जिसका भी साइज 30 है। फिर इसके बाद गेट एस, तो गेट एस के साथ मैं यूजर से जो है कोई भी इनपुट ले सकता हूँ, कोई भी इनपुट मतलब कोई भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकता हूँ। तो गेट एस और एस वन, जो यूजर जो है पहला स्ट्रिंग देगा वो पहला स्ट्रिंग जो है एस वन में स्टोर होगा, फिर यूजर जो सेकेंड स्ट्रिंग देगा वो सेकेंड स्ट्रिंग जो है एस टू में स्टोर होगा। तो S1 और S2 जो है हमारे तैयार हो गए। फिर हम ये सब जो मेथड्स है डिफरेंट टाइप के मेथड्स उन सभी को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना हो तो strlen यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम S1 पास कर देंगे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसका लेंथ क्या है। फिर strcat, strcat से हमें दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, मतलब एक स्ट्रिंग है ग्रेट दूसरा स्ट्रिंग है लर्निंग, तो उन दोनों को हमें जोड़ना हो तो strcat यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है strcmp जिसके की जो है हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं।
फिर strlwr, जिससे जो है अगर हमारा पूरा स्ट्रिंग में जो है कुछ लेटर्स कैपिटल में है, कुछ लेटर्स स्मॉल में है, उन सभी को अगर मुझे लोअर में कन्वर्ट करना है तो strlwr यूज़ करूँगा, तो सभी जो है लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर strupr से इसी तरह जो है मैं सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर strcpy, strcpy से जो है यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दे रहा हूँ, s1 और s2, तो जो भी s2 में है वो जो है s1 में कॉपी हो जाएगा। तो ये जो है डिफरेंट मेथड्स है, तो हम दो स्ट्रिंग क्रिएट करके इन सभी मेथड्स के साथ अभी काम करेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे दो स्ट्रिंग क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर दो स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं तो मुझे दो कैरेक्टर एरे बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर ऑफ s1, और इसका साइज मैं देता हूँ यहाँ पे 20, 30 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ। और फिर इसके बाद मैं दूसरा कैरेक्टर एरे बनाता हूँ जो कि s2 होगा, फिर से जो है इसका साइज मैं देता हूँ 20। तो इस तरह से मैंने दो कैरेक्टर एरे बना लिए। इसके बाद मैं गेट s यूज़ करूँगा, जिससे कि जो है मैं स्ट्रिंग, जो कोई भी स्ट्रिंग हो वो मैं यूज़र से ले सकता हूँ, और इसको मैं दो बार लिख देता हूँ क्योंकि मुझे दो स्ट्रिंग लेने हैं यूज़र से। तो यहाँ पे मैंने जो है गेट s लिख दिया है। फिर इसके बाद मुझे अभी इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा गेट s, तो जो भी यूज़र देगा वो s1 में स्टोर होगा, और जो यूज़र दूसरा स्ट्रिंग देगा वो जो है s2 में स्टोर होगा। तो इस तरह से जो है मैंने ये दोनों क्रिएट कर लिए। फिर इसके बाद मुझे डिफरेंट मेथड्स जो भी है उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे printf, और printf के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, यहाँ पे %d हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे strlen, और इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे स्ट्रिंग्स के साथ काम करना हो तो मुझे string.h लोड करना पड़ेगा, तो उसको लोड कर लेते हैं वरना ये सब चलेंगे नहीं। यहाँ पे मुझे हैश इंक्लूड, यहाँ पे string.h लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी को लोड कर दिया है। यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं s1 पास कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मुझे अगर जानना हो कि या फिर मुझे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, यहाँ पे मैं एक्चुअली %s लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे जो है मैं str cat हो जाएगा, इसके अंदर s1 और s2 पास कर दूंगा। फिर ये concatenation का हो गया है। इसके बाद अगर मुझे जो है किसी चीज़ को lower में convert करना हो तो यहाँ पे मैं printf, यहाँ पे मैं लिखूँगा lower case, यहाँ पे %s लिख देता हूँ। मान लीजिए जो भी मैंने s1 में store किया है अगर उस चीज़ को जो है मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो strlwr, फिर इसमें जो है s1 पास कर दूंगा मैं। फिर इसके बाद मुझे अपर केस में अगर कन्वर्ट करना हो फिर से जो है printf, यहाँ पे मैं अपर केस लिख देता हूँ, और फिर से यहाँ पे हाइफ़न देने के बाद मुझे यहाँ पे %s देना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट जो है स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे strupr हो जाएगा, और इसके अंदर मैं s2 पास करूँगा। फिर ये सब चीज़ें हमने प्रिंट कर लिया है, बेसिक चीज़ें। तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो मुझे दो स्ट्रिंग देने पड़ेंगे, तो मैं पहला स्ट्रिंग यहाँ पे देता हूँ ग्रेट, और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे देता हूँ लर्निंग। तो अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो पहले सबसे पहले तो हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d, तो लेंथ ऑफ यहाँ पे s1, तो s1 में गिनते हैं कितने कैरेक्टर्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, आप देख रहे हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 यहाँ पे आ गया है। फिर कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट क्या कर रहे हैं, ग्रेट और लर्निंग को, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स आपको ग्रेट लर्निंग मिल गया है। फिर इसके बाद जो है हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे थे s1 को, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है लोअर केस, और आप देख रहे हो इनिशियली हमने यहाँ पे ग्रेट दिया था विथ कैपिटल G, और ये पूरा जो है यहाँ पे ग्रेट हो गया है, यहाँ पे पूरा जो है मतलब स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है ग्रेट लर्निंग। फिर हम जो है अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपर केस हमने यहाँ पे लिखा है, और अपर केस में जो है हम s2 पास कर रहे हैं, तो s2 में जो है हमारे पास लर्निंग स्टोर था,
तो क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो है एल कैपिटल थे और बाकी सब लेटर्स जो है स्मॉल थे, बट हमने यूपीआर, हमने एसटीआर यूपीआर यूज़ करके जो है इस पूरे चीज़ को हमने कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए स्ट्रिंग टाइप के। इसके बाद हम मैथ लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे। जैसे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग डॉट एच के साथ जो है हमें डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस मिले, इसी तरह जो है हम मैथ डॉट एच लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो मैथ डॉट एच लाइब्रेरी जो है हमें डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस देता है। तो यहाँ पे जो है हमने ये सब डिफरेंट वैल्यूज ले लिए, और अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं SQRT फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। और आपको फिर से ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करना हो, आपको ये लाइब्रेरी लोड करना पड़ेगा, मैथ डॉट एच। तो आप मैथ डॉट एच लाइब्रेरी को लोड किए बिना जो है इन सभी में से किसी भी मेथड के साथ आप काम नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, आपने SQRT लिखा है, SQRT के अंदर ए पास कर दे तो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा। फिर आपको किसी का पावर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो ये दो पैरामीटर ले रहा है, पहला जो है यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे -1000, यहाँ पे -1000 to the power 3 हो जाएगा ये, तो दो पैरामीटर। दूसरा पावर जो है, दूसरा पैरामीटर जो यहाँ पे एक्सपोनेंट को इंडिकेट करता है। फिर आपको किसी चीज़ का साइन पता करना है, आप बस साइन यूज़ कर लीजिए। फिर किसी चीज़ का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉड वैल्यू, तो मॉड वैल्यू फाइंड आउट करना हो आप जो है ABS यूज़ कर सकते हो। फिर किसी चीज़ का फ्लोर, तो फ्लोर वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए आपका वैल्यू जैसे यहाँ पे 230.47 है, तो इसका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 230.4, या फिर इसका सीलिंग वैल्यू हो जाएगा 230.5। तो बेसिकली ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो इंडिकेट करता है। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हो गए, तो इन सभी के साथ जो है अभी हम काम करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एक इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअली हम एक फ्लोटिंग वैल्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट ए इज इक्वल टू, इसमें हम 100 स्टोर करेंगे। फिर अभी मान लीजिए इसके बाद जो है मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूंगा, और प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर वो स्क्वायर रूट s%f। यहाँ पे मुझे SQRT यूज़ करना पड़ेगा, और SQRT के अंदर जो है मैं ए पास कर दूंगा। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट s 10, जो कि करेक्ट आंसर है, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट जो है 10 है। इसी तरह अगर मुझे मान लीजिए साइन फाइंड आउट करना हो 100 का, यहाँ पे मैं साइन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज करके साइन s, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो 100 का साइन वैल्यू जो है शायद से ये है -0.50 समथिंग। इसी तरह जो है हम कॉस देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस, और अभी इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। इससे जो है ये एक्चुअली कॉस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, इसलिए साइन आ रहा है। जो एक्चुअली कॉस ऑफ दिस इज 0.86। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस है, इन सभी फंक्शंस के साथ जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर बुलियन हो गया, तो बुलियन के साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बट फिर से और एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो बुलियन के साथ जो है हम अगर कोई भी ट्रू एंड फॉल्स हो, तो यस या नो हो, ऐसे कोई भी चीज़ें हो, ये सब चीज़ें जो है हम बुलियन के साथ देख सकते हैं। तो और ये नॉर्मली जो है किसी भी चीज़ का स्टेटस या फिर स्टेट को जो है अपडेट करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास जो है एक बुलियन वेरिएबल है मशीन वर्किंग, और इसका इनिशियल वैल्यू हमने ट्रू रखा है। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, सिंस दिस मशीन इज़ वर्किंग इट्स वैल्यू इज़ %t। तो यहाँ पे हम बस मशीन इज़ वर्किंग प्रिंट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर हम इसको अपडेट करके जो है इसको फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स हो गया है, अभी जो है यहाँ के 1 के बदले जो है ये 0 हो जाएगा। तो फिर से जो है यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, मुझे एक बुलियन वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे बूल, यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा ही ले लेता हूँ, तो बूल ए इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे फिर प्रिंट एफ कर देता हूँ। फिर इसमें जो है मशीन इज वर्किंग, यहाँ पे फिर %d हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं ए को प्रिंट करूँगा। फिर इसके बाद मैं ए को फॉल्स कर देता हूँ, और ए को फॉल्स करने के बाद जो है मैं फिर से और एक प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, और प्रिंट एफ के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे मशीन इज़ नॉट वर्किंग,
और यहाँ पे मैं परसेंट डी यूज़ करके यहाँ पे जो है मैं बी पास कर दूंगा, यहाँ पे मुझे ई पास करना पड़ेगा, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो मशीन इज़ वर्किंग 1, मशीन इज़ नॉट वर्किंग 0, तो ये हो गया है बूलियन। अभी हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे नाम बता रहे हैं, हम इसके साथ जो है कोई भी कंडीशन के हिसाब से जो है हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पे आपके पास जो एक डायलमा होगा, मतलब ये करे या फिर दूसरा चीज़ करे, तो उस टाइम पे जो आप एक कंडीशन इम्पोज होगा, उस कंडीशन के हिसाब से जो आप डिसीजन लेते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए बाहर जो है बहुत बारिश हो रही है और आपको जो है फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो आप जो है बाहर फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर अगले एक घंटे तक बारिश होगी तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते। अगर वही एक घंटे बाद बारिश ख़त्म हो जाती है या फिर एक घंटे से पहले बारिश जो है रुक जाती है, तब आप जो है बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। तो ये कंडीशन के हिसाब से जो है डिसीजन ले रहे हो। तो अगर बारिश हो रही है तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, अगर वही बारिश रुक जाती है तब आप जाके जो है फुटबॉल खेल सकते हो। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो है कोई एग्ज़ाम आ रहा है और उस एग्ज़ाम के लिए जो है आपने एक मॉक टेस्ट दिया है, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर आपका जो है मार्क्स इस मॉक टेस्ट में 70 से ज़्यादा आते हैं तब आपको जो है एक पार्टी मिलेगी, अगर वही आपके मार्क्स 70 से कम आते हैं तब आप जो है बाहर खेल नहीं सकते एक हफ्ते के लिए। तो ये फिर से एक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से जो है कुछ डिसीजन ले रहे हो। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी में जो है दो तरह के होते हैं, इफ एल्स। तो यहाँ पे जो मैंने जो एग्जांपल बोले थे वो इफ, तो इफ इट रेन्स यू कैनॉट गो आउट एंड प्ले, एल्स इफ इट स्टॉप्स रेनिंग यू कैन गो आउट एंड प्ले। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पे होगा इफ यू स्कोर मोर देन 70 यू विल गेट अ पार्टी, इफ यू स्कोर लेस देन 70 यू कैनॉट प्ले आउटसाइड फॉर द नेक्स्ट 1 week। तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन जो है हम ऐसे दे रहे हैं। तो ये सिंटेक्स इसका ऐसे रहेगा, सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स में जो है हम कोई कंडीशन पास करेंगे, फिर कंडीशन देने के बाद उसके बॉडी में आएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, अगर वही कंडीशन फेल होता है तो जो भी इसके बॉडी में है वो पूरा जो है स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे एल्स आता है, तो ट्रू हुआ तब तो जो भी इसके अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा, बट अगर फॉल्स हुआ तो मतलब हम स्किप कैसे करें। तो अगर यही ये फॉल्स हुआ तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे, तो एल्स के बाद हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो जो है एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऐसे इफ एल्स काम करता है। फिर नेस्टेड इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स मतलब आप जो है एक इफ कंडीशन के अंदर आप दूसरा इफ कंडीशन लगा सकते हो। तो ऐसे हो गया, यहाँ पे एक इफ कंडीशन फिर उसके अंदर आप दूसरा इफ कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हो। तो ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है मुझे जो भी लाइब्रेरीज चाहिए उन सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ #include stdio.h। फिर इसके बाद मुझे फिर से अपना मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं लिखूँगा void main। तो ये हो गया है। फिर इसके बाद जो है मुझे कुछ कंडीशन लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ a, और a में मैं 10 स्टोर करूँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरा इंटीजर वैल्यू लेता हूँ b, और b में जो है 20 स्टोर करूँगा। तो इस तरह से जो है मेरे ये दोनों वेरिएबल तैयार हो गए। यहाँ पे मैं फिर से सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये दोनों तैयार होने के बाद मुझे जो है अभी कंडीशन देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं if कंडीशन देता हूँ, if b is greater than a, अगर b में जो वैल्यू है अगर वो a से ज़्यादा है तब मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा b is greater than a। अभी यहाँ पे बस मैं एक get ch लगा देता हूँ और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें ये जो है मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो कंडीशन देख रहे थे, कंडीशन इफ b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ है इसलिए हम बॉडी में एंटर हुए और बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट था उसको हमने प्रिंट कर दिया है। अगर मान लीजिए मैं कंडीशन को रिवर्स कर दूं, इफ a इज ग्रेटर देन b देन प्रिंट दिस,
तो यहाँ पे ये कंडीशन आप जिस देख रहे हो फॉल्स है, बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20. तो इस केस में देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे कंपाइल एंड रन क्लिक करूंगा. यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ब्लैंक स्क्रीन है, और ये ब्लैंक स्क्रीन इसलिए दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि हम ये जो लिखा है हमने इफ के अंदर वो पूरा स्किप हो गया है, क्योंकि ये फॉल्स है इसलिए जो भी इसके बॉडी के अंदर था वो पूरा स्किप हो गया है. तो इसलिए यहाँ पे हम एल्स यूज करेंगे. यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर हम प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन बी. एल्स यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं बी इज ग्रेटर देन ए. तो ये हमने जो है एल्स के अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है बी इज ग्रेटर देन ए. तो इस तरह से जो है हम इफ एल्स के साथ काम कर सकते हैं. अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूँ. यहाँ पे अभी दो वेरिएबल के बदले जो है मुझे तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे. यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल ऐड करता हूँ सी, और सी के अंदर जो है मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 30. और अगर अभी मुझे जानना हो इन तीनों वेरिएबल्स में से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, तो यह ऐसा जो है इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पूरा हटा देता हूँ और फिर से लिखूँगा ताकि आपको आसानी से जो आपको समझ में आए. मैं इफ लिखूंगा और इफ के अंदर मैं पहला कंडीशन चेक करूंगा, वो होगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी. मतलब ए का वैल्यू बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है. इसका मतलब तो ये हुआ कि ए जो है सबसे बड़ा है. तो यहाँ पे अगर ये वाला केस है तो यहाँ पे बस मैं प्रिंट कर दूंगा ए इज द ग्रेटेस्ट. और अगर वही ये फॉल्स हुआ तो मुझे else if यूज करना पड़ेगा. फिर else if के अंदर यहाँ पे मैं और एक कंडीशन दे देता हूँ, else if b is greater than a and b is greater than c. अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या b जो है सबसे बड़ा है. अगर ये ट्रू हुआ तब मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा b is the greatest. एंड देन फाइनली अगर ये दोनों फॉल्स हुए, मतलब ए सबसे बड़ा नहीं है और बी भी जो है सबसे बड़ा नहीं है, तो बस एक ही रिजल्ट हो सकता है जो कि है सी. तो यहाँ पे मैं बस एल्स यूज करूंगा और एल्स के अंदर और एक प्रिंट एफ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इज द ग्रेटेस्ट. अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और अभी देखेंगे रिजल्ट क्या आता है. तो हम जो है यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहे हैं सी इज द ग्रेटेस्ट. तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर जो है हम मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एंड ऑपरेटर. तो ये जो है एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो गया है. फिर हमारे पास विच केस आता है. तो ये विच केस जो है मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है. तो ये थोड़ा सा मतलब इसका थियरी हम नहीं समझेंगे, डायरेक्टली कोड पे आ जाएंगे ताकि आपको जो है आसानी से इसको समझ सके आप. तो यहाँ पे हम स्विच केस के साथ जो है आप मल्टीपल कंडीशंस एक ही साथ चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने एक वेरिएबल लिया है ई और उस वेरिएबल के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर किया है 20. ये वैल्यू स्टोर करने के बाद जो है हम स्विच यूज कर रहे हैं और स्विच के अंदर जो है हम ई पास कर रहे हैं. तो अभी ई पास करने के बाद तो हम बेसिकली यहाँ पे जो है डिफरेंट केसेस होते हैं, तो इसलिए हम स्विच केस बोलते हैं. तो पहला केस देख रहे हैं, पहले केस में हम देख रहे हैं क्या जो है ई के अंदर वैल्यू 10 है. तो केस लिखने के बाद आप जो है यहाँ पे वैल्यू लिखते हो, और ये वैल्यू यहाँ पे देख रहा हो अगर केस 10 हुआ तो. अगर वैल्यू ई के अंदर 10 हुआ तो मैं बस प्रिंट आउट कर रहा हूँ 10. उसके बाद मैं ब्रेक कर दूंगा इस स्विच केस से. अगर वही ये जो है वैल्यू 10 नहीं हुआ, अगर वैल्यू 20 हुआ तो मुझे प्रिंट करना होगा 20, फिर मैं ये ब्रेक कर दूंगा और यहाँ से बाहर आ जाऊंगा. अगर इसके अंदर वैल्यू 10 नहीं है और 20 भी नहीं है तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू लिखूंगा. मतलब जितने भी मैंने केसेस लिखे हैं, अगर उन सभी केसेस में से एक भी जो है ट्रू नहीं हुआ तो मैं डिफॉल्ट के अंदर एक जो है स्टेटमेंट दे सकता हूँ, और अगर सभी फेल हो गए तो जो भी डिफॉल्ट के अंदर होगा वो जो है आपका प्रिंट हो जाएगा. तो ये जो है आपका स्विच केस है. अभी इसको हम जाके यहाँ पे इस कंपाइलर में जो है एग्जीक्यूट करेंगे. इस पूरे चीज़ को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा. हम यही लेते हैं
ई के अंदर जो है हम 30 स्टोर करेंगे इस बार, और यहाँ पे जो है मुझे स्विच यूज़ करना पड़ेगा, और स्विच के अंदर जो है मैं ई पास कर दूंगा, तो स्विच हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे मुझे केस लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये जो है वैल्यू 10 है। अगर ई के अंदर 10 है मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा वैल्यू इज 10, और अगर ये ट्रू हुआ तो मैं बस ब्रेक कर लूँगा यहाँ से। अगर वही जो है ये केस 10 नहीं हुआ तो मैं दूसरा कंडीशन दूंगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये जो है वैल्यू 20 है, और अगर ये 20 हुआ तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा वैल्यू इज 20, और फिर से अगर ये ट्रू हुआ मुझे यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे जो है मैं थर्ड केस देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 30, और अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू है इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 30 मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा वैल्यू इज 30। तो तीन केस हो गए। अगर मान लीजिए इन तीनों में से सभी फेल हो गए यहाँ पे, तो मुझे एक डिफॉल्ट केस देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर मैं लिखूंगा वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, और इसके बाद मुझे जो है फिर से ब्रेक लिख देना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा स्विच केस तैयार हो गया है, और अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते रिजल्ट क्या आता है। तो वैल्यू इज 30, तो हमने सक्सेसफुली जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि ई में 30 स्टोर किया था, तो सबसे पहले जो ये वाला केस चेक होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये वैल्यू 10 है ई के अंदर, वो फॉल्स नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट केस चेक कर रहे हैं। इस बार देखेंगे क्या ये वैल्यू 20 है, वो भी जो है फॉल्स हुआ। एंड देन फाइनली हम चेक कर रहे हैं क्या ये वैल्यू 30 है, और यहाँ पे ये ट्रू हुआ है, इसलिए क्योंकि ये ट्रू हुआ है हम जो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये स्विच केस का एग्जांपल था। इसके बाद जो है हम लूप्स को समझेंगे। तो लूप से जो है हम किसी भी टास्क को रिपीट कर सकते हैं। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, तो मान लीजिए आपको एक बकेट में पानी भरना है। तो अगर आपको इस बकेट में पानी भरना हो और आप जो है वो पानी बस जो है एक मग के साथ भर सकते हो, तो आप क्या करोगे, मग में पानी लोगे, फिर उसको बकेट में डाल दोगे, फिर आप देखोगे क्या ये बकेट भरा है नहीं भरा है। अगर नहीं भरा है तो फिर से आप जो है मग में पानी लोगे, फिर से उसको बकेट में डाल दोगे, फिर से आप चेक करोगे क्या जो है आपका बकेट भर गया। अगर नहीं भरा है फिर से जो है आप जो है आप मग में पानी लोगे, फिर से उसको बकेट में डाल दोगे। आप ये प्रोसेस तब तक रिपीट करोगे जब तक जो है आपका बकेट पूरी तरह पानी से भर नहीं जाता। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लूप में आप जो है एक टास्क को रिपीट कर रहे हो। तो इस तरह से जो है हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। तो सी में जो है हमारे पास नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट लूप्स होते हैं, एक हो गया है फॉर लूप, दूसरा हो गया है व्हाइल लूप। तो इन दोनों लूप्स के साथ जो है हम काफ़ी टास्क जो है रिपीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे तो फॉर लूप जो ये सिंटेक्स जो है ऐसा दिखता है, इसके अंदर आप तीन टास्क कर रहे हो। एक जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो, फिर आप जो है एक कंडीशन चेक कर रहे हो यहाँ पे, फिर जो है इस वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो आप तीनों चीज़ें फॉर लूप के इस वाले जो है पेरेंथेसिस के अंदर ही आप कर लेते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे आई का वैल्यू जीरो है, फिर आप ये मान लीजिए आपको जीरो से लेकर 10 तक प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे आप जो है एन में अगर आपने कंडीशन दिया है 11, तो ये आई का वैल्यू जो है जीरो से लेकर जो है 10 तक जाएगा। तो सबसे पहले आई का वैल्यू जीरो है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इज जीरो लेस देन 11। अगर ये ट्रू हुआ तो हम जो है अंदर जाएंगे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी जो आई का वैल्यू जीरो है वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या 1 जो है 11 से छोटा है। अगर ये ट्रू हुआ फिर से हम अंदर जाएंगे और हम जो है 1 प्रिंट कर देंगे। फिर से जो है आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अभी 1 से 2 बन गया। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 से जो है क्या 2 जो है 11 से छोटा है। अगर ये ट्रू हुआ फिर से हम लूप के अंदर आएंगे और फिर से हम ये पूरा चीज एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो है फॉर लूप काम करता है। इसके बाद हमारे पास व्हाइल लूप है। तो व्हाइल लूप काफी सिंपल है, आप बस व्हाइल लिखोगे फिर इसके अंदर जो है आप कोई कंडीशन सेट करोगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं कंडीशन यही सेट कर देता हूँ इफ आई इज लेस देन 10, और हमें जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है वो लूप के बाहर करना पड़ेगा। तो पहले हम मान लीजिए मैं यहाँ पे बाहर लिखता हूँ आई इज इक्वल टू जीरो। आई इज इक्वल टू जीरो करने के बाद यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ व्हाइल आई इज लेस देन 10, फिर उसके अंदर मैं यहाँ पे बस प्रिंट कर दूंगा आई का वैल्यू जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं होता। तो इस तरह से हम फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ काम कर सकते हैं। तो अभी इन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे।
मैं इस पूरे चीज़ को जो है यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के साथ काम करेंगे, तो फॉर लिखना पड़ेगा और फॉर लूप के अंदर ही हम इनिशियलाइज करेंगे, हम कंडीशन चेकिंग करेंगे और हम इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और इसको जो है हम ज़ीरो पे सेट करेंगे। सो इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आई इज लेस देन 11, और फिर यहाँ पे हम आई प्लस प्लस करेंगे। फिर इसके अंदर मुझे बस जो है आई का वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ ऑफ आई कर देता हूँ, और प्रिंट एफ ऑफ आई के बाद जो है ये एक्चुअली परसेंट डी होगा। तो यहाँ पे जो है मैं दो ब्रेसेस यहाँ पे देखे, और यहाँ पे मैं परसेंट डी लिखता हूँ, परसेंट डी, और वैल्यू प्रिंट करने के बाद मुझे न्यू लाइन देना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये सब वैल्यू जो एक नए लाइन में चाहिए। तो प्रिंट एफ आई, तो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमें एरर मिल रहा है, इनिशियल डिक्लेरेशंस आर ओनली अलाउड। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि इसको यहाँ से हटा देंगे, और अभी इनिशियली जो है int i is equal to, इसको मैं मान लीजिए यहाँ पे भी ज़ीरो पे ही सेट कर देता हूँ। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो जैसे आप देख रहे हो हमने जो है सक्सेसफुली इस फॉर लूप को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और वैल्यूज यहाँ पे ज़ीरो से लेकर 10। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली आई का वैल्यू जो है ज़ीरो है, ज़ीरो है। यहाँ के बाद हम ये चेक कर रहे हैं क्या आई इज़ लेस देन 11, तो ज़ीरो लेस देन 11 वो ट्रू हुआ है, इसलिए जो है हम यहाँ पे अंदर आके आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो कि ज़ीरो। फिर उसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, वो 1 बन जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या 1 जो है 11 से छोटा है, फिर वो भी ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो हम अंदर आके प्रिंट कर देंगे। फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, वो 2 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 जो है 11 से छोटा है। तो ऐसा हम रिपीट करते रहेंगे जब तक आई का वैल्यू 11 नहीं हो जाता। जब आई का वैल्यू 11 होगा तब जब हम कंडीशन चेक करेंगे इज 11 लेस देन 11, वो कंडीशन फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो है एक सिंपल एग्जांपल हो गया है फॉर लूप का। इसके बाद हम व्हाइल लूप के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे व्हाइल हो गया है, और व्हाइल के अंदर अभी मैं कंडीशन देख रहा हूँ, व्हाइल आई इज लेस देन 5, मुझे बस आई का वैल्यू प्रिंट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे परसेंट डी, फिर यहाँ पे न्यू लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मुझे बस आई का वैल्यू प्रिंट आउट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं आई का वैल्यू इंक्रीमेंट भी करता हूँ, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो रिटर्नड आई डी रिटर्नड 1 एग्जिट स्टेटस। तो इस एरर को समझते हैं, ये जो हमने कोड लिख दिया अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हमें जो है 0, 1, 2, 3, 4 मिला है यहाँ पे। तो इनिशियली जो है आई का वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ आई इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है। फिर हम इसके बॉडी के अंदर आएंगे और आई का वैल्यू प्रिंट कर देंगे जो कि 0 है। फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 से जो है आई 1 बन गया है। फिर इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे इज 1 लेस देन 5, फिर से ये ट्रू हुआ, फिर से हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते जो है आई फाइनली 5 बन जाएगा। और जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तब हम चेक कर रहे हैं 5 इज लेस देन 5, और क्योंकि ये फॉल्स है हम जो है लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अभी हम एरे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब एरे जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ देखा था जब हम कैरेक्टर एरे बना रहे थे, तो मान लीजिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स अगर किसी सेम डेटा टाइप के स्टोर करने हो तब आप मल्टीपल वेरिएबल्स तो क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल है, तो मान लीजिए आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट है और उन सभी 100 स्टूडेंट का आपको जो है नाम स्टोर करना है और उनके मार्क्स भी स्टोर करने हैं, तो क्या आप जो है इंडिविजुअली जो है 100 वेरिएबल क्रिएट करोगे नाम के लिए, और फिर से जो है नए 100 वेरिएबल क्रिएट करोगे उनके मार्क्स के लिए, और मतलब और कितना याद रखोगे आप? हर एक अगर स्टूडेंट के लिए आप इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट करोगे तो सब याद रखना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप बस एक एरे क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उन सभी स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने के लिए आप बस एक एरे क्रिएट करोगे, और उस एरे का साइज़ जो है 100 होगा, और उस 100 साइज़ वाले कैरेक्टर एरे में आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के नाम आप स्टोर कर सकते हो।
सिमिलरली मान लीजिए आपको अगर मार्क्स स्कोर करने, तो आप एक इंटीजर एरे क्रिएट करोगे और उसका साइज भी आप 100 दोगे और उसमें आप जो भी मार्क्स है वो सब मार्क्स जो है स्टोर कर लोगे। और एरे जो है सिंगल डिमेंशनल होता है, मल्टी डिमेंशनल होता है। तो सिंगल डिमेंशनल मतलब हमारे पास बस सारे एलिमेंट जो है वो एक ही रो में प्रेजेंट होता है, और मल्टी डिमेंशनल मतलब रोस और कॉलम्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे कि ये 2x3 एरे यहाँ पे बनाया गया है। तो एरे बनाना काफ़ी सिंपल है, आपको बस सबसे पहले ये डेटा टाइप देना पड़ेगा, इंटीजर या फिर ये कोई भी हो, ये इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, किसी टाइप का भी हो। और यहाँ पे फिर वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे पेरेंथेसिस में आपको साइज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंगल डिमेंशनल एरे जो है ऐसे बना रहे हैं। फिर यहाँ पे हम जो है मल्टी डिमेंशनल एरे बना रहे हैं। तो ये मल्टी डिमेंशनल बेसिकली ये 2 एरे है। तो यहाँ पे 2 एरे के लिए मुझे 2 पेरेंथेसिस देने पड़ेंगे, और इसके अंदर मैं 10 और 10 पास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो है ये 10x10 एरे है, मतलब 10 रो होंगे और 10 कॉलम होंगे। तो इस तरह से जो है हम सिंगल डिमेंशनल और मल्टी डिमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे एरे को पहले हम डिक्लेयर कर देंगे, मतलब एरे का नाम दे देंगे, फिर इसके अंदर वैल्यूज पास करने हैं। तो इसका साइज 10 है, तो साइज क्योंकि यहाँ पे 10 है तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज पास कर रहा हूँ, 0 से लेकर 9 तक, कमा से सेपरेटेड है ये सब। और इन सभी वैल्यूज को जो है मैं ये कर्ली ब्रेसेस में पास करूंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं कैरेक्टर एरे पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैरेक्टर एरे और इसका साइज 5 है, और यहाँ पे मैं HELLO पास कर रहा हूँ जो कि बेसिकली हेलो है। तो अभी जाके जो है हम कुछ एरेज बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उन सभी को लोड कर देता हूँ, #include stdio.h हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं void main लिखूँगा, और void main के अंदर यहाँ पे जो है अभी मैं मान लीजिए मुझे एक इंटीजर एरे क्रिएट करना हो, यहाँ पे int a और इसके अंदर जो है मैं 10 पास करूँगा। फिर इसके बाद जो है मुझे इसमें कुछ वैल्यूज़ देने पड़ेंगे, और ये वैल्यूज 0 से लेकर 9 तक जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ऐसे जो है मैंने ये सब वैल्यूज़ इसमें पास कर दिए। तो अभी ये वैल्यूज़ तो मैंने क्रिएट कर दिए है और एरे भी क्रिएट हो गया। तो अभी इसको प्रिंट कैसे करें? तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें जो एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर लूप के लिए सबसे पहले मैं इंट आई को सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर स्टार्ट करता हूँ, और ये जो है आई इज़ इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो गया है, और ये जाएगा 10 तक। और आपको याद रखना पड़ेगा एरे का इंडेक्स वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट होगा, सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट होगा, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पे प्रेजेंट होगा, और ये जो ऐसे प्रोग्रेस होता जाएगा। और यहाँ पे मैं एक सेमी कोलन देता हूँ, और आपको फॉर लूप में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है आप अंदर सेमी कोलन देते हो कमानी। तो आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10, और यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये तीनों चीज़ें मैंने कर दिया है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन चेकिंग कर दिया, और फिर वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दिया। और इन तीनों चीज़ों के बाद जो है मुझे बस इस एरे में जो भी प्रेजेंट है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट एफ हो जाएगा, और क्योंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे मुझे %d लिखना पड़ेगा। और हर एक वैल्यू के बाद मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, और इसके बाद मुझे एक्चुअली क्या प्रिंट करना है, a ऑफ i। तो अगर मुझे एरे के वैल्यूज को प्रिंट करना है तो यहाँ पे a ऑफ i, तो इनिशियली i का वैल्यू 0 है, मतलब मैं a ऑफ 0 प्रिंट करूँगा। a ऑफ 0 मतलब ये, फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i बनेगा 1, तब मैं a ऑफ 1 प्रिंट करूँगा, तो a ऑफ 1 मतलब ये, फिर से i इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू 2 बनेगा, तब मैं a ऑफ 2 प्रिंट कर रहा हूँ, और a ऑफ 2 पे प्रेजेंट है ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से जो भी एरे में वैल्यूज है उन सभी को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे बस मैं गेट ch देता हूँ फिर से, और अभी हम इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो आप देख रहे हो इस तरह से जो है मैंने ये एरे क्रिएट किया है, जिसमें सबसे पहले तो मैंने ये सब वैल्यू स्टोर किए। वैल्यू स्टोर करने के बाद मैंने फॉर लूप के साथ जो है इन सभी को प्रिंट कर दिया है। तो ये इंटीजर एरे है। इसी तरह जो है हम एक कैरेक्टर एरे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एरे के लिए कैर सी से डिनोट करता हूँ, और इसका साइज जो है मैं 5 दे देता हूँ, और यहाँ पे इक्वल टू दूंगा, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पास करूंगा। तो पहला वैल्यू हो जाएगा H, इसके बाद E, इसके बाद L, फिर से जो है L हो जाएगा, और इसके बाद जो है मैं O पास करूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने ये कैरेक्टर एरे क्रिएट कर दिया है। और अभी इसको प्रिंट करने के लिए मैं एक नया फॉर लूप लेता हूँ, और ये फॉर लूप मैं फिर से i इज़ इक्वल टू 0 होगा,
और ये जो है 5 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो है 0 से लेकर 4 तक है। तो H इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, E प्रेजेंट है इंडेक्स 1 पे, L प्रेजेंट है इंडेक्स 2 पे, फिर से ये L प्रेजेंट है इंडेक्स 3 पे, और O प्रेजेंट है इंडेक्स 4 पे। तो इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएंगे। यहाँ पे I प्लस प्लस हो जाएगा, फिर मुझे बस जो भी है इसके अंदर उन सभी चीज़ों को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट F, और मुझे प्रिंट क्या करना है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे परसेंट C हो जाएगा, यहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है मैं बस C ऑफ I लिख देता हूँ, और अभी इसको जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से मैंने कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है, और कैरेक्टर एरे के अंदर जो भी वैल्यूज प्रेजेंट थे उनको भी मैंने प्रिंट कर दिया। तो वो हो गया एरे। अभी हम पॉइंटर्स समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो नॉर्मली जो है, अगर किसी केसेस में हमें अगर एड्रेस के किसी भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल के एड्रेस के साथ डायरेक्टली हमें काम करना हो, तब हमें पॉइंटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के बारे में सीखेंगे तो उस टाइम पे जो है हमें पॉइंटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एड्रेस के साथ डायरेक्टली डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। सबसे पहले जो है हम एक इंटीजर यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ए, और ए में हमने जो है वैल्यू स्टोर कर दिया है 10, और यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे स्टार यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट स्टार पी इज इक्वल टू एंड ए। तो एंड ए का मतलब है एड्रेस। तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मैं जो है इस पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ। तो पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे स्टार पी लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीजर का जो एड्रेस है, इंटीजर वेरिएबल का जो एड्रेस है, वो मैं इस इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ। तो स्टार पी इज इक्वल टू एंड ए। तो इस तरह से ये एड्रेस लेके मैं इस पॉइंटर में जो है स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह जो है मैंने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है ए, और ए में जो है मैंने 20 स्टोर किया है। फिर उसके बाद मैंने एक इंटीजर पॉइंट क्रिएट किया है। तो इंटीजर जो है पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे स्टार पी लिखना पड़ेगा। तो ये क्रिएट हो गया। इसके बाद मैंने इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एड्रेस लेके जो है इस पॉइंटर में स्टोर कर दिया। फिर जब इसके बाद मुझे अगर एड्रेस प्रिंट करना हो, तो एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे मैं परसेंट एक्स प्रिंट कर रहा हूँ। तो मुझे अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना हो तो मुझे परसेंट एक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड ए, तो हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एंड ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए। फिर यहाँ पे कंटेंट ऑफ पी, कंटेंट ऑफ पी मतलब पी क्या है, पॉइंटर, और इस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ही प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे फिर से परसेंट एक्स यूज करो और पी प्रिंट कर रहा। तो यहाँ पे अगर आप एंड ए प्रिंट करो या फिर पी प्रिंट करो, आपको एक ही चीज मिलेगा। आप जैसे देख रहे हो पी इज इक्वल टू एंड ए, तो पी में भी जो है सेम चीज स्टोर्ड है, और एंड ए में भी सेम चीज स्टोर्ड है, जो कि ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है। फिर यहाँ पे कंटेंट ऑफ स्टार पी, कंटेंट ऑफ स्टार पी मतलब यहाँ पे जो है आप परसेंट डी प्रिंट कर रहे हो। तो स्टार पी मतलब आप जो एड्रेस प्रेजेंट है इस पॉइंटर के अंदर, उस एड्रेस का वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे। तो एड्रेस का वैल्यू मतलब ये 20 प्रिंट कर रहे हो। तो ये जो है कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हो गए पॉइंटर्स के। तो अभी जाके हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे इंट ए, और ए में जो है मैं 20 स्टोर कर लेता हूँ। फिर मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मैं इंट स्टार पी लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा एंड ए, मतलब ए का एड्रेस जो है मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो वेरिएबल क्रिएट हो गया है और पॉइंटर भी क्रिएट हो गया है। ये दोनों क्रिएट होने के बाद जो है मैं बस कुछ चीज़ें प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए के लिए मुझे परसेंट एक्स लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे बस पी प्रिंट कर दूंगा। फिर इसके बाद जो है अगर मुझे वैल्यू जानना हो, तो वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए मतलब 20 प्रिंट करना, और वो 20 जो है मैं इस पॉइंटर से प्रिंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार पी, और इसके बाद मैं बस एक नया लाइन ऐड कर देता हूँ, ताकि ये जो प्रिंट हो रहा है वो एक नए लाइन में प्रिंट हो जाए। तो अभी जो है इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे परसेंट डी नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक परसेंट डी दे देते हैं। इसको मैं क्लोज करके जो है फिर से रन करूँगा। अभी कंपाइल एंड रन करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो एड्रेस ऑफ ए, तो इस वेरिएबल का एड्रेस जो है हमने प्रिंट किया है पी के साथ। फिर हम वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर रहे हैं स्टार पी, स्टार पी के अंदर मतलब पी के अंदर एड्रेस है। फिर एड्रेस को आप जो है जब स्टार डालते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा उस एड्रेस पे। तो ये जो है पॉइंटर्स हो गए सी में। फिर इसके बाद हम जानते हैं फंक्शंस क्या है और फंक्शंस के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो फंक्शंस जो है आप एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है एक फंक्शन के अंदर लिखते हो। जब आपको कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो तो ऐसे चीज़ों में जो है आप फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप मान लीजिए यहाँ पे क्या करोगे, एक इंडिविजुअल फंक्शन एडिशन के लिए क्रिएट करोगे और जब भी आप ये एडिशन फंक्शन इन्वोक करोगे तो आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको बार बार a माइनस बी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए सब्ट्रैक्शन और उसमें जो है सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करना, तो आप जो है एक कैलकुलेटर फंक्शन बना दीजिए। उस कैलकुलेटर फंक्शन में जो है मान लीजिए सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पहले एडिशन ऑपरेशन होगा, फिर जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा, फिर डिवीजन ऑपरेशन होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से जो है फंक्शंस काम करते हैं। तो फंक्शंस अभी तक जो हमने बस एक ही फंक्शन के साथ काम किया जो कि मेन फंक्शन है, और हमने ये जाना कि हे जो भी आपका कोड है, कोड का एग्जीक्यूशन जो है मेन पे स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है। और अभी यहाँ पे हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है ऐड, और यहाँ पे फंक्शन के दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फंक्शन जो है कुछ पैरामीटर लेता है और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। तो अभी तक जो है हम मेन का रिटर्न टाइप वॉइड रख रहे थे, मतलब कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने जो ये नया फंक्शन क्रिएट किया है ऐड, उसको हम एक रिटर्न टाइप देंगे इंट, मतलब ये फंक्शन जो है कोई इंटीजर टाइप वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। और ये दो पैरामीटर ले रहा है, ये दो पैरामीटर हो गए एक्स और वाई। तो ये दो पैरामीटर लेने के बाद जो है मैं बस इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके जो है रिटर्न कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने, आप जैसे देख रहे हो, 3 और 4 पास किया, तो 3 और 4 यहाँ पे ऐड होके जो है रिटर्न हो जाएगा, जो कि 7 होगा। तो ये हमारा जो है ऐड फंक्शन हो गया। फिर हम मेन में आके यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर जो इसको इन्वोक कर रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम मेन के अंदर जो है इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। फंक्शन कॉलिंग मतलब फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फंक्शन है उसको बुलाना। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन हम इन्वोक कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दिए 3 और 4। तो इस तरह से जो है हम ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसके साथ। तो अभी फंक्शन के ये कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। मैं इस पूरे चीज़ को जो है यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ ऐड करके, इंट ऐड करके एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके जो है कुछ पैरामीटर्स होंगे, और ये रिटर्न टाइप तो इसका इंट हो ही गया है, और ये पैरामीटर्स जो मैं इसके अंदर दे रहा हूँ मुझे इसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। तो ये दो पैरामीटर लेगा और वो दोनों पैरामीटर जो है इंटीजर टाइप के होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई। तो x पहला जो आप पैरामीटर पास करोगे वो भी इंटीजर है, और दूसरा जो पैरामीटर पास करोगे वो भी जो है इंटीजर है। फिर जब आप पैरामीटर पास करोगे आप बेसिकली रिटर्न क्या कर रहे हो, x प्लस y, मतलब दोनों का एडिशन होगा फिर वो रिटर्न हो जाएगा। फिर अभी वो फंक्शन तो बना दिया, बनाने के बाद अभी बस हमें उसको इन्वोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ बनाता हूँ, और यहाँ पे ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे %d लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ, और ऐड के अंदर जो है मैं अभी कुछ वैल्यूज पास करता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसके अंदर 10 और 5 पास कर दूंगा, और अभी जो है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये रिटर्न कर रहा है 15। तो इस तरह से जो है हम एक फंक्शन बना सकते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, तो बस वही चीज़ है। तो इसको जो है ऐड के बदले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब, और ऑब्वियसली ये दो वेरिएबल लेगा। यहाँ पे जो है मैं x प्लस वाई की जगह जो है x-y पास करूँगा, और ये इंटीजर टाइप ही देगा। यहाँ पे मैं 10 और 5 पास कर रहा हूँ, तो 10-5 देखते क्या होता है। अभी इसको फिर से मुझे इन्वोक करना पड़ेगा सब को, और ऐड को नहीं। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो 10 और 5 पास किया, और 10-5 मुझे मिला है 5। ये फंक्शन का और एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया है।
तो अभी हमने अगर फंक्शन समझ लिया तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब आपके पास जो है बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो गए। और इसमें ये खास बात ये है कि आप जो मल्टीपल फंक्शंस बनाते हो, इन मल्टीपल फंक्शंस का जो है नाम सेम रहता है। तो यहाँ पे ये क्लासिक एग्जांपल है, यहाँ पे जो है हमने दो ऐड फंक्शन क्रिएट किए, तो ये इसका जो नाम है इस फंक्शन का ऐड है, और ये जो दूसरा फंक्शन है दूसरा फंक्शन का नाम भी ऐड है। और अब जब मेन के अंदर जाके इन दोनों को इन्वोक करते हो तो इस मेन फंक्शन को कैसा पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सा है, दोनों का नाम तो सेम ही है। तो मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो और उस क्लास में जो है दो रजत है और टीचर ने जो है पूछा है रजत प्लीज़ गेट अप, तो अभी अगर दो रजत है उन दोनों रजत में से कौन उठेगा, तो ये कन्फ्यूजन है। तो इसलिए जो है अभी नाम के साथ हम सरनेम भी लगाते हैं, या फिर उसका एज होगा, या फिर मान लीजिए कोई टॉपर है या फिर कोई फेलियर है, ऐसा आप जो है कोई आइडेंटिटी लेके उनको जो है आप समझ सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमारे दो ऐड फंक्शन हो गए, और इस ऐड फंक्शन में जो है पैरामीटर्स अलग है और इसका रिटर्न टाइप अलग है। अगर हम ये वाला ऐड फंक्शन ले तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसके दो पैरामीटर्स है, वो दोनों पैरामीटर्स जो है डबल टाइप के हैं और ये रिटर्न भी कर रहा है डबल टाइप का वैल्यू। और अगर मैं ये दूसरा ऐड फंक्शन देखूँ, ये जो है दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल पैरामीटर ले रहा है और ये रिटर्न करेगा भी एक इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो ऐसे जो है हमारा जो सी का कंपाइलर है वो डिस्टिंग्विश करता है इन दोनों फंक्शंस के बीच। तो ये हो गया है, तो अभी मैं इसको फिर से जो है ऐड में बदल देता हूँ और यहाँ पे मैं x प्लस वाई लिखता हूँ। तो ये जो है मेरा पहला ऐड फंक्शन हो गया है। इसके बाद जो है मैं दूसरा ऐड फंक्शन लिखाता हूँ, इंट ऐड हो गया है, ये एक्चुअली डबल ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल ऑफ ऐड, यहाँ पे दो पैरामीटर लेगा, ये पहला हो जाएगा डबल ऑफ x, दूसरा हो जाएगा डबल ऑफ y। तो ये दोनों जो है मैंने इसमें पास कर दिए, फिर ये भी जो है रिटर्न करेगा x प्लस y। तो फिर ये पहले जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऐड ऑफ 10, 5, फिर से जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, अभी ये परसेंट d के बदले जो है यहाँ पे ये परसेंट f हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डबल टाइप का है, यहाँ पे मैं परसेंट f लिख देता हूँ। और इसके बाद मुझे फिर से ऐड, और इसमें दो वैल्यूज़ पास करता हूँ, एक हो जाएगा 3.5, दूसरा हो जाएगा 9.7। और इसके बाद मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहे, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन देना पड़ेगा। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, समझते ये एरर क्या है, कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर Add previous definition of add was here। तो ये कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है, conflicting types for add previous definition of add was here। तो ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप जो है C में function overloading नहीं कर सकते हो, आप C++ में कर सकते हो, Java में कर सकते हो और Python में कर सकते हो, बट जब C की बात आती है, क्योंकि C जो है explicitly object oriented programming को support नहीं करता है, इसलिए जो है आप जो है इसमें function overloading नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम structures के साथ काम करेंगे। तो structure एक user defined data type है, और इस user defined data type के अंदर जो है हम और multiple variables different type के data के store कर सकते हैं। तो हमने array देखा था, array में जो है जो भी element store किया हम लोगों ने वो सब same data type के थे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, और जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर, हर एक वेरिएबल जो है एक इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए हमने तीन डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट किए एक स्ट्रक्चर के अंदर, वो तीनों वेरिएबल जो है अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे मैं एक पर्सन नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर जो है मैं तीन डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहा हूँ। पहला जो है एक मैं कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहा हूँ नेम, फिर मैं इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सिटी नंबर, फिर मैं जो है एक सैलरी वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप का क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तीनों क्रिएट करने के बाद मुझे अगर अभी इन्वोक करना है तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे स्ट्रक्चर का नाम, फिर जो भी मैं एक नया वेरिएबल देना चाहूँगा वो जो है इसका नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे एक पर्सन वन टाइप का जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन,
अभी जो ये पर्सन है, तो ये पर्सन खुद जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन चुका है। तो जैसे आपके पास इंट था, फ्लोट था, कैरेक्टर हो गया, ये सब जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स थे, तो इसी तरह से जो है आपने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है पर्सन नाम का। तो अभी इस पर्सन नाम के डेटा टाइप का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन वन, और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन टू। सिमिलरली इस पर्सन टाइप के डेटा टाइप का मैं एक जो है एरे क्रिएट कर रहा हूँ पी, जिसमें 20 है यहाँ पे। तो पी 20 मतलब इसका आप ऐसा मान के चलिए इसका साइज 20 है, मतलब आप 20% स्टोर कर सकते हो, और एक एक पर्सन के अंदर जो है आप ये जो तीनों फीचर्स है वो तीनों फीचर्स स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जो भी हेडर फाइल्स है उन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मुझे स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड string.h लिख देता हूँ। फिर इन दोनों के बाद जो है मुझे स्ट्रक्चर एक बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा struct, फिर मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम जो है person दे देता हूँ, फिर यहाँ पे braces, और यहाँ पे ये important है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को एंड करने के लिए हमें एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये आप मत भूलिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो है बॉडी इस सेमीकोलन से एंड होता है। तो मान लीजिए इस पर्सन का जो है एक आईडी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट आईडी, और यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करता हूँ मैं, कैर नेम 20 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और इसके बाद मैं एक सैलरी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट सैलरी। तो इस तरह से जो है मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। अभी हम जो है हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैं void main लिखूंगा, और void main के अंदर जो है मुझे इस person user defined type जो क्रिएट किया है उसका एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं। तो सिंटेक्स होगा struct person p1 क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और अभी ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का, अगर मुझे इसके अंदर इन तीनों को इन्वोक करना है तो डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P1 डॉट, आप देख रहे हो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस आ गए आईडी। तो यहाँ पे आईडी में जो है 1 असाइन कर रहा हूँ, फिर मुझे नाम देना पड़ेगा। नाम ऐसे मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता, इसलिए जो है मैं strcpy फंक्शन यूज करूँगा, और यहाँ पे हो जाएगा P1 डॉट नेम, और P1 डॉट नेम में जो है मैं पास करूँगा यहाँ पे मान लीजिए इस बंदे का नाम है सैम। तो strcpy हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जो सैम है वो कॉपी होके जो है p1.name में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने इस पर्सन का नाम सेट कर दिया है। फिर मुझे इसका सैलरी सेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p1.salary is equal to, मान लेते हैं ये जो है इतना कमाता है। ये तीनों हो गए, अभी बस मुझे इन चीज़ों को प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ यहाँ पे आईडी ऑफ पर्सन एस परसेंट डी लिखता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा p1.id। इसी तरह से जो है मुझे इस बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ पर्सन एस, यहाँ पे परसेंट एस लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है p1 डॉट, यहाँ पे इस बंदे का नाम हो जाएगा p1.name, एंड देन फाइनली मुझे इस बंदे का सैलरी प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ यहाँ पे सैलरी ऑफ पर्सन एस परसेंट डी, फिर यहाँ पे मुझे फिर से p1 डॉट सैलरी क्रिएट करना पड़ेगा, और हर एक के बाद मैं बस एक नया लाइन ऐड कर देता हूँ स्लैश एन, यहाँ पे भी एक स्लैश एन, एंड देन फाइनली ये जो सिंटेक्स है इसके अंदर मैं एक स्लैश एन दे देता हूँ। यहाँ पे बस मुझे इस पूरे कोड को गेट सीएच से जो है एंड करना पड़ेगा। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो हमने जो है हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है पर्सन, और अभी इस पर्सन के अंदर हम इसको आईडी सेट कर रहे हैं, नेम सेट कर रहे हैं, सैलरी। आप देख रहे हो आईडी ऑफ पर्सन इज 1, नेम ऑफ पर्सन इज सैम, एंड सैलरी ऑफ पर्सन इज 1000। तो इस तरह से जो है हमने ये सेट कर दिया है। तो अभी स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास यूनियन आता है। तो ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है। द ओनली डिफरेंस इज स्ट्रक्चर में जो है हर एक वेरिएबल जो है एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर था, तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेता था। तो अभी जब आप यूनियन की बात करते हो, यूनियन में जो है सारे वेरिएबल्स एक जो है शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में रहते हैं।
ये जो है शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, और इस शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में मान लीजिए आपके पास तीन वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल जो है इसी शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में रहेंगे। और इसका सिंटेक्स ये है, तो जैसे स्ट्रक्चर के लिए आप स्ट्रक्ट लिखते थे, इसीलिए यूनियन के लिए जो है आप यूनियन स्टूडेंट लिखोगे, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स यहाँ पे दे दोगे, और फिर मेन के अंदर आप कुछ क्रिएट करना हो यहाँ पे जो है इस तरह से आप क्रिएट करोगे, आप यहाँ पे लिख रहे हो यूनियन स्टूडेंट रिपोर्ट।